बच्चों आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ नच तत्पुरुष समास। ये काफ़ी बच्चे इससे अज्ञान होते हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी कीजिए। इससे अज्ञान होने का मेन कारण है, जो भी पढ़ाता है वो यही पढ़ाता है, तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। 6 भेद तो हो गए, लेकिन नच तत्पुरुष तो कोई भेद ही नहीं है कारक का, तो इसलिए इसे नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन इससे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं बहुत इजी तरीके से बताती हूँ। जिस समास का पहला पद कोई निषेधवाची नकारात्मक यानी मना हो कर रहा हो, वहाँ नच तत्पुरुष समास होता है। और पूर्व पद में ना शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे नास्तिक ना आस्तिक। पहला ना जो शब्द है वो निषेध है, नकारात्मक है। दूसरा आधर्म ना धर्म, विग्रह करेंगे तो असंभव ना संभव, अनाथ ना नाथ, अमर ना अर्म, नामर। तो नामर हमने मना करना है, निषेध करना है। जहाँ पे आपको मना करने वाला कोई भी शब्द दिखे, मानच तत्पुरुष समास होता है।